नूरपुर के पंचायत सदवा के गांव लखवाल का 13 वर्षीय मोहित सुपुत्र सुरेश कुमार जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने के बाद अब प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। आपको बता दें कि मोहित की 9 वर्षीय बहन हिमानिका मोहित के साथ घर पर ही बैडमिंटन खेलती है और अपने भाई की तैयारी में पूरी मदद कर रही है। नूरपुर की पंचायत सदवा के गांव लखवाल का 13 वर्षीय मोहित पुत्र सुरेश कुमार जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने के बाद अब प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मोहित की 9 वर्षीय बहन हिमानिका मोहित के साथ घर पर ही बैडमिंटन खेलती है और अपने भाई की पूरी तैयारी में मदद करती है। मोहित ने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने जो पिछले वर्ष ऊना में प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाग लिया था, उसमें हमारी टीम ने 3रा स्थान हासिल किया था, फिर नेशनल के लिए मेरा चयन किया गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इस वर्ष 15वीं बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंगल और डबल में विजेता की ट्रॉफी मिली। इस समय पठानकोट में कोचिंग ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे जी तोड़ मेहनत करेंगे और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता जीतूंगा। मैंने राज्य स्तरीय भी जीती है जो पिछले साल ऊना में हुई, वो उसमें हमारी जो टीम थी वो 3rd नंबर पे आई और जो हमारी सिंगल रैंकिंग थी उसमें मेरी सिंगल रैंक 1st आई। फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ। इस साल मेरी धर्मशाला में 15 सिंगल और डबल में विजेता की ट्रॉफी है। इस समय आप कहाँ कोचिंग कर रहे हैं? इस टाइम मैं स्टार बैडमिंटन एकेडमी में कोचिंग ले रहा हूँ जो पठानकोट में। आगे का क्या है आपका? आगे अब प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा तो स्टेट में भी अच्छा खेल पाऊँगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये नेशनल टीम में अपनी जगह सुनिश्चित करे और वहाँ से जो है देश के लिए खेले। सरकार के लिए कोई? सरकार का यही है कि खेलों के प्रति बोलते तो हैं कि खेलों को बढ़ावा देना, लेकिन स्कूलों की हालत फिजिकल टीचर की हम सभी जानते हैं।